वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और कमाल की वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ जिसे पाना शायद आपका बचपन का सपना था। वेल, एक्चुअली मेरा भी था। इस वाली वीडियो में मैं डोरेमोन के बारे में बात करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि क्या आपका ये सपना कभी सच हो सकता है, क्या डोरेमोन जैसा रोबोट क्या सच में कभी बन सकता है, और अगर बन सकता है तो आखिर कब तक बनेगा। और साथ ही साथ इस वाली वीडियो में मैं आपको डोरेमोन की ऑफिशियल एंडिंग स्टोरी भी आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने बेल आइकन ऑन नहीं कराया तो बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं कि डोरेमोन की जो ऑफिशियल एंडिंग स्टोरी है वो असल में क्या है। वेल, एक्चुअली डोरेमोन की जो ऑफिशियल एंडिंग है उसकी 3 स्टोरी लिखी जा चुकी है, लेकिन जो मेन स्टोरी है वो इस तरीके से है कि एक दिन नोबिता घर आता है और वो डोरेमोन को बोलता है, लेकिन डोरेमोन उसका कोई जवाब नहीं देता। बहुत देर तक वो डोरेमोन को देखता है लेकिन डोरेमोन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता है, और उसके बाद नोबिता को डर लगता है। तो उसे लगता है कि शायद डोरेमोन को कुछ हो गया है, तो वो डोरेमोन को फ्यूचर में ले जाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं ले जा पाता। उसके बाद वो डोरेमी को कॉन्टैक्ट करता है, तो डोरेमी नोबिता को ये बताती है कि जो डोरेमोन की बैटरीज है वो ख़त्म हो चुकी है, और टाइम पेट्रोल ने टाइम ट्रैवल के रूल्स जो है वो बदल दिए थे, और इसी वजह से नोबिता डोरेमोन को फ्यूचर में भी नहीं ले जा सकता था। डोरेमोन तो नोबिता का भाई है, उसका ब्रो है, भला नोबिता डोरेमोन के बगैर कैसे रह सकता है। तो डोरेमोन को तो उसको कुछ भी करके बचाना ही था। तो नोबिता के पास 2 ऑप्शन बचते हैं। पहला ऑप्शन तो ये था कि वो टाइम पेट्रोल्स के रूल तोड़कर इलीगली डोरेमोन को फ्यूचर में ले जाए, और दूसरा तरीका ये था कि वो खुद कुछ ऐसा करे जिससे वो डोरेमोन की बैटरीज चेंज कर पाए। लेकिन भला वैसी बैटरीज आखिर मिलती कैसे, और वो भी नोबिता के टाइम में। तो नोबिता दूसरा वाला तरीका ज़्यादा सही समझता है, और उसके बाद नोबिता खुद अपने आप में बहुत बड़ा चेंज लाता है। नोबिता बहुत ही अच्छे मार्क्स से अपने स्कूल से पास आउट होता है, और उसके बाद एक इन्वेंटर एक साइंटिस्ट बन जाता है, और उसके बाद नोबिता ऐसी बैटरीज इन्वेंट करता है जिससे वो डोरेमोन को दोबारा से ठीक कर देता है। और दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि सुनियो और जियान का क्या हुआ। जो सुनियो है वो एक बड़ी कंपनी का CEO बन जाता है, और जियान भी एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन जाता है। और चिंता मत करो, शिजुका की शादी नोबिता के साथ ही होती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि क्या डोरेमोन जैसा रोबोट सच्ची में बन सकता है। वेल, इसका जवाब हाँ है, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं बनने वाला। दोस्तों, अगर हम डोरेमोन को देखें तो वो बिल्कुल इंसानों की तरह बात करता है, इंसानों की तरह सोचता है, इंसानों की तरह बिहेवियर है उसका। वो मतलब जितनी भी चीज़ें करता है बिल्कुल इंसानों की तरह करता है। तो अगर देखा जाए तो जो डोरेमोन का जो ब्रेन है, जो उसका मतलब कंप्यूटर है जो उसको कंट्रोल करता है, वो बिल्कुल इंसानों के ब्रेन की तरह वर्क करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हम खुद को देखें तो हमारी बॉडी भी एक मशीन ही है जिसे हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। मतलब एक तरह से हमारा जो ब्रेन है वो एक CPU है जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। अब जितने भी हमारे थॉट्स जो हम सोचते हैं, जो भी हम एक्शन करते हैं, वो सब चीज़ें हमारे ब्रेन में ही प्रोसेस होती है। तो अगर हम देखें तो हमारे ब्रेन की भी कुछ प्रोसेसिंग पावर तो होगी ही, जिसकी वजह से वो इन सब थॉट्स को प्रोसेस करता है और हमारी बॉडी को कमांड देता है कि ये एक्शन करो, ये एक्शन करो। तो अगर हम आज के सुपर कंप्यूटर्स को अपने ब्रेन के साथ कंपेयर करें, तो जो आज के सुपर कंप्यूटर्स हैं उनकी जो प्रोसेसिंग पावर है वो हमारे ब्रेन का 1% भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर हम अभी जो सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है, अगर हम उसको ब्रेन बना के डोरेमोन के जैसे किसी रोबोट में लगा दें, तो वो इंसानों की तरह काम नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों, कंप्यूटर एक ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। टेक्नोलॉजी पहले से ज़्यादा बेहतर होती जा रही है, और जो कंप्यूटर्स है वो भी पहले से ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। तो ऐसा टाइम भी ज़रूर आएगा जब हम वो प्रोसेसिंग पावर हासिल कर लेंगे जो डोरेमोन जैसे किसी रोबोट को चलाने के लिए चाहिए होगी। और AI में भी बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। ऐसे कई सारे रोबोट बन भी चुके हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हमारे सवालों का जवाब भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये पूरी तरह संभव है,
कि आने वाले 40-50 सालों में हमें डोरेमोन जैसा रोबोट वाकई में बनता हुआ दिख जाए।